लेकिन हमारा पल्ली का नाम हम लोग चुने हैं और हमारा पल्ली का नाम संत पॉल्स का चर्च के नाम से रखा गया है और जिसका त्यौहार हम लोग आज मना रहे हैं। बड़ी भीड़ भी संख्या है, बड़ी जोश और उमंग के साथ हम लोग मना रहे हैं। शुरू से ही शुरू मिसा शुरू होने से पहले मैंने एक गीत लगाया था और इस दिनों में मैंने बारम्बार लगाया रहा था। मैं सुबह सुबह रोते सुनता था एक दो गाना को, उनमें से एक था जो आज मैंने हम लोग सुना और उसी गीत को हम लोग ने अभी अभी तुरंत हम लोग ने गाया, अंतर भजन में गाया। अंतर भजन में गीत गाया क्या है, चट्टान में घर बनावा बालू में ना बनावा, बालू बनल बंगेला, बंगेला मैंने क्या बंगला मैंने घर है तो बंगला मैंने बोलते हैं, पल्ली पारिश को बोलते हैं, पल्ली को बंगला। तो बालू बनल बंगेला टूटियो जाए वे गिरियो जाए, प्रभु के वचन के जीवन में सजावा, बालू बनल बंगेला गिरियो जाए। हम लोग ने सुना ना, गायक बंदे एक बार गा लेते हैं। बालू में ना बनावा, बालू को बनल बंगेला टूटियो जाए I'm gonna go to the bathroom.
तो हम लोग अभी क्या करना गए, चट्टान में घर बनावा, बालू में ना बनावा। कि हमारा इस जो मकान हम गीता घर बोलते हैं वो ईटा का बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, लेकिन हमारा जो समुदाय, हमारा कलीसिया हर एक विश्वासों के समुदाय से बनता है। और यदि वह मजबूत होता है, हमारा ख्रिस्ती समुदाय, हमारा पली समुदाय, हमारा परिवार मजबूत होता है, तो कितना भी आने तो पद उन्होंने रोते ही तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे बलि चढ़ाया जाएगा। से भाते भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तो उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे वर्ष में से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन करण व्यवस्थान कर रहा जो तुम्हारे बातों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मैं स्मृति में यह क्या करूं,
Thank you.